हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नमिता और आज मैं बनाने वाली हूं मूली के पराठे, जो मैं थोड़ा डिफरेंट तरह से बनाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने दो मूलियों को कद्दूकस कर लिया है, ये दो बड़ी मूलियां हैं। अगर आपकी मूलियां छोटी हैं तो आप तीन ले सकते हैं। इन्हें कद्दूकस कर दिया है मैंने। अब एक मसलन क्लॉथ से मैं इसका सारा पानी निकाल दूँगी, जिससे कि ये पराठे बनाने में बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन हम इस न्यूट्रिशियस पानी को फेंकेंगे नहीं, इससे हम आटा गूंदेंगे। तो ये हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है, इसे हम रख देंगे एक किनारे। अब हम इसके लिए गूंथेंगे आटा। तो 2 कप आटा लिया है मैंने, इसमें मैं ये पानी डाल दूंगी, मूली का पानी। अब इसमें डालना है थोड़ा सा नमक, रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ मैं, और थोड़ा सा अजवाइन या कैरम सीड्स, 2 छोटे चम्मच तेल, सेसमी ऑयल लिया है मैंने, आप कोई भी ले सकते हैं अपने पसंद का। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसका एक सेमी सॉफ्ट डो बना देंगे, ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो, जैसे पराठे का होता है। अगर सॉफ्ट होगा तो उसके अंदर फीलिंग भरना मुश्किल हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा हार्ड होगा तो फीलिंग निकलेगी उसमें से। तो इस तरह से इसका डो बना के हम 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हमें फिलिंग के लिए तेल गरम करना है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा और अजवाइन। अजवाइन का स्वाद मूली के पराठे में बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें मैं आधी हरी मिर्च काट के डाल दूँगी, क्योंकि मेरी वाली मिर्च जो है बहुत तीखी है, तो मैं आधी ही डालती हूँ। आपके पास कम तीखी है तो 1 या 2 आप अपनी चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी बेसन, और बेसन को भी हमें धीमी आंच में अच्छे से भूनना है। तो ये 4 छोटा चम्मच या 2 बड़ा चम्मच के करीब मैंने बेसन डाल दिया है। इसको धीमी आंच में हमें अच्छे से थोड़ी देर भूनना है। आंच धीमी होनी चाहिए, नहीं तो बेसन जल सकता है। तो ये हमारा बेसन अच्छे से भून गया है, इसमें से खुशबू आने लग जाती है, तो समझ लो ये भून गया है और ये कढ़ाई को छोड़ देता है। अब इसमें डाल देंगे हम अपना कद्दूकस किया हुआ मूली, जिसका हमने पानी निकाला था। अब इसे भी हम बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मूली के पराठे बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब यहाँ पे मैं अपने किचन गार्डन के मिक्स हर्ब्स डाल रही हूँ। आप यहाँ पे धनिया की पत्तियाँ डाल सकते हैं बारीक काट के, धनिया, पुदीना, करी पत्ता, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, हल्दी, गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब ये अच्छे से मसाला भुन जाए तो हमारी फिलिंग रेडी है। इसे हम ठंडा होने के लिए एक बाउल में डाल देते हैं। जब हमारी फिलिंग ठंडी हो जाएगी तो हमारा, तब तक आटे ने भी हमारा रेस्ट कर लिया होगा, तो अब फिलिंग ठंडी हो गई है, आटे को हम थोड़ा सा और गूंथ लेंगे। और इस तरह से जिस सेब का भी आपको पराठा चाहिए, उस सेब का गोला इसमें से तोड़ के, और उसे हमें जैसे पूरी की सेब का बेलना है। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर दें अगर चिपक रहा हो तो। अब इसमें हम भरेंगे फिलिंग। खूब अच्छे से फिलिंग भर के इसको हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा आटा है ऊपर से उसको हटा देंगे, और ये सील भी हो जाएगा इस तरह से। ये हमारा स्टफ डो तैयार है। अब इसे हमें बेलना है, तो हम इसे हल्के हाथों से घुमाते घुमाते हुए बेलेंगे इस तरह से।
इसी तरह से सारे बना लेंगे। अब इन्हें हम सेकेंगे, तो उसके लिए पैन गरम करेंगे, उसमें इसको डालेंगे। हल्का सा पक जाए तो इसको पलट देंगे और इसमें लगाएंगे अब देसी घी। घी से पराठे का टेस्ट डबल हो जाता है। वैसे आप तेल भी यूज़ कर सकते हैं, पर घी से ही ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरह से अच्छे से दोनों तरफ घी लगा के इसे हम दबाते हुए अच्छे से पका लेंगे। और ये हमारा पराठा रेडी है। इसे हम एक जाली में निकाल देंगे, या किसी प्लेट पे आप कटोरी को रख के कटोरी के ऊपर भी रख सकते हैं। इस तरह से ये सौगी नहीं होता, नहीं तो नीचे से गीला गीला हो जाता है। अब इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी सेक लेंगे। अगर इसमें से फीलिंग थोड़ा बहुत बाहर भी निकल रही है तो कोई बात नहीं, इससे तो पराठा और टेस्टी हो जाता है। क्योंकि हमने फीलिंग ज़्यादा भरी है तो थोड़ा बहुत निकलेगी, तो कोई बात नहीं, वो ऑयल के टच में आके और क्रिस्पी हो जाती है। तो ये हमारे दोनों पराठे तैयार हैं। ये मेरी घर की जमी हुई दही है, तो मुझे तो पराठे दही के साथ ही पसंद है। आपको जिसके साथ भी पसंद है, अचार चटनी उसके साथ आप इन्हें गरम गरम सर्व करें और इन्जॉय करें। तो ये थी मेरी आज की डिश, आप भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।